दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपने मेरे थंबनेल से आपको समझ में आ गया कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में आपको लाइव होके बताऊं कि भाई VTL कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप VTL के थ्रू इच्छुक हो भाई, और भी कोई आना चाहता है या आ रहा है, किसी के पास वैलिड वीजा है तो, और वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है और VTL, तो उनको भी भाई ये वीडियो शेयर कर दो, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाए। थोड़ा गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हुए हैं VTL के थ्रू, वो क्या चेंज, घबराओ मत, सब कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है। इस वीडियो को पूरा देखो, लाइव होके दिखाऊंगा जो नोटिस आया हुआ है, जो नई लॉस टर्म एंड कंडीशन है, पूरा बताऊंगा, लाइव होके बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा VTL कैसे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बताता हूँ, VTL चल रहा है, क्वारंटीन फ्री ट्रेवल है, थोड़ा सा चेंजेस आया है। वो चेंजेस क्या है, पहले VTL में आप मिस जो 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आप सिंगापुर से, इंडिया से सिंगापुर आ रहे हो, तो भाई इंडिया से 72 आवर्स बिफोर आपके पास COVID-19 PCR नेगेटिव रिजल्ट, फिर आपको इधर आके PCR होना पड़ता और क्वारंटीन फ्री ट्रेवल। लेकिन अब क्या है, बिफोर इंडिया से आप फ्लाई कर रहे हो तो बिफोर मीन्स इंडिया से फ्लाई 72 आवर्स बिफोर का आपको PCR नेगेटिव, इधर ऑन अराइवल पर जब सिंगापुर एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट पर आप पहुंच जाएंगे, आपका PCR होगा नेगेटिव आएगा। उसके बाद 3 दिन और 7वें दिन को आपको ART एंटीजन रैपिड टेस्ट बोलते हैं उसको, वो आपको करना पड़ेगा। वो खुद होता है, सेल्फ टूल होता है, आप खुद कर सकते हो, और उनकी वेबसाइट पर आप जो आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड करेगी MOH, आप उसको फिल करेंगे। तो यही एक चेंजेस है, 3rd और 7वें दिन पर आपको कोई क्वारंटीन वगैरह नहीं है, क्वारंटीन फ्री है अभी भी। 3rd और 7वें दिन पर आपको ART करना है, बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हो ART कैसे करा जाता है, एंटीजन रैपिड टेस्ट आपको दिखा दूंगा, मेरे पास किट पड़ी हुई है, मैं खुद चेक करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ART की आप सैंपल वीडियो दिखाओ तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं लाइव होके आपको दिखाऊंगा। तो ये तो थे भाई चेंजेस, तो कोई बैन वैन नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन थी लोगों में, सर VTL बंद तो नहीं, भाई कुछ बंद नहीं होगा, सब कुछ बस थोड़े प्रिकॉशंस लिए जाएंगे 3rd या 7वें, जैसे अभी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, ये प्रिकॉशंस 2 दिसंबर के बाद से, कि अगर कोई आ जा रहा है तो आपको वो 3rd 7वें दिन का लॉ नहीं है। 2 दिसंबर के बाद से जो फ्लाई करेगा, जो सिंगापुर में पहुंचेगा 11:59 2 दिसंबर को, अगर आप इधर आ रहे हो, आप 2 दिसंबर के बाद आ रहे हो, तो भाई आपका 3rd और 7वें दिन पर आपका ART आपको दिखाया जाए, आपको नेगेटिव MOH की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो था लॉ। अभी क्या है कि देखो, VTL का जो लॉ बाय एयर, हम क्योंकि इंडिया से तो एयर आ सकते हैं, मलेशिया से तो बाय लैंड वो बात नहीं है, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया से जब आप सिंगापुर आ रहे हो, जब आपका VTP पास आपका इशू होगा तो 6 दिन का वो वैलिड होता है, आपको ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे अगर आपका आपने चूज डेट करी 7th ऑफ दिसंबर, तो आप 7 दिसंबर को भी आ सकते हैं, 8 को भी आ सकते हैं, 9 को भी आ सकते हैं, 10 को भी आ सकते हैं, 11 को भी आ सकते हैं, और 12वां लास्ट होता है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 6 दिन के अंदर आप सिंगापुर ट्रेवल कर सकते हैं, सबसे अच्छी ये बात है। अब चलो चलते हैं भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कि सेफ ट्रेवल पे कैसे अप्लाई करा जाता है। और हाँ, अगर आपके पास सिंगापुर में कुछ ऐसे हैं कि आप ऑलरेडी जो इंडिया में स्टे, उनके पास वैलिड, उन्होंने सिंगापुर में वैक्सीन ले रखी है, तो भाई उनके लिए अच्छा सा एडवांटेज, अगर आपके पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो आपको एक फॉर्म स्नैपशॉट लेके आपकी जो जो आपका कोवैक्सीन और कोविशील्ड का सर्टिफिकेट है, वो आपको जो SG अराइवल कार्ड ऐसा कुछ होता है उसमें आपको सबमिशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा, कि भाई वो पूछेंगे आपके पास जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की जो फाइल होगी, VTP मिलने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपको जो कोरोना वैक्सीन की आपका जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अगर आपके पास कोवैक्सीन कोविशील्ड है तो आप इसका स्नैपशॉट लेके आपके पास हार्ड कॉपी की फोटो कॉपी उस पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम जीमेल पे किसी, बहुत सिंपल है, जैसे जीमेल पे हम अपनी स्नैप या अपनी जीरोक्स कॉपी कोई अपलोड करते हैं तो इस तरह से, और उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हो। तो हम लाइव होके दिखाएंगे अभी कि VTL कैसे लिया जाता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हेलो मेरे दोस्तों, तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करा सकते हैं, पूरी प्रोसेस बताऊंगा और जो चेंजेस क्या हैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कि सबसे पहले हम जाएंगे भाई गूगल पर, यहाँ मैं टाइप करूँगा, आप अपना भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, अब मेरे को यहाँ टाइप करूँगा सेफ ट्रेवल,
अब मैं सेफ ट्रेवल पर आप जब टाइप करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, क्योंकि हमें तो VTL अपना अप्लाई करना है। तो जो चेंजेस आए हैं पहले मैं बता देता हूँ। देखो अभी क्या है, जो मैंने बताया था कि 6 दिसंबर के बाद कतार, सऊदी और UAE आपको खोलने वाला था सिंगापुर, बट ड्यू टू सम इशू बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस सो उन्होंने पेंडिंग कर दिया। लेकिन हमारे हम तो इंडिया से उड़ने वाले हैं, तो वो बात है। एक चेंजेस आए हैं कि अगर आप सिंगापुर में 2 दिसंबर के बाद आ रहे हो तो आपको सिंगापुर, तो देखो ट्रेवलर्स एंट्रिंग सिंगापुर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 दिसंबर 2021 11:59 सिंगापुर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू COVID-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट डेट ऑफ 3 डेज ऑफ। तो तीसरे और सातवें दिन पर आपको रैपिड टेस्ट आपका ART होगा। भाई ART बहुत सिंपल, अगर आप चाहते हो तो मैं लाइव वीडियो दिखा दूंगा। तो ये तो बात होगी भाई हमारी चेंजेस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करा जाता है। तो इतना ही चेंज आया है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो हम करते हैं, अगर आपके पास देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, तो हम तो इंडिया से हैं। अभी यहाँ पर 3 कंट्री के लिए डिफर करा है कि कतार, सऊदी एंड UAE के लिए। थाईलैंड 7 को खुल ही चुका है, कंबोडिया ये 9 दिसंबर को हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे पास हाउ टू अप्लाई। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई हो सकता है, तो कैसे कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अगर आप वर्क वीजा है। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर आपका एम्प्लॉयर है भाई आप रिक्वेस्ट करो एम्प्लॉयर से जल्दी अप्लाई करें और आप सिंगापुर में अपना या तो स्टडी या वर्क परमिट जिस भी पर्पस पे हो आप आ सकते हैं। तो देखो यहाँ तो क्या है, सबसे पहले लाइन देखिए कि भाई ट्रेवलर्स डू नॉट नीड टू रश टू अप्लाई। भाई अभी भी उन्होंने कहा है कि कोई रश वश लेने का, इतना घबराने की जरूरत नहीं है भाई, खुला रहेगा VTL, बी पेशेंस। अभी यहाँ 2 लाइनें हैं, लैंड और एयर। लैंड जो है मलेशिया से है, क्योंकि सिंगापुर का बॉर्डर मलेशिया से जुड़ा हुआ है। तो हमारा तो बॉर्डर इंडिया सिंगापुर से बस नहीं आ सकती, तो हम भाई VTP एयर एप्लीकेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा है VTP एयर एप्लीकेशन आर करंटली ओपन फॉर ट्रेवलर्स। देखो भाई इतना घबराने, इंटेंटेड टू एंटर 7 to 12 दिसंबर, भाई 7 से 12 दिसंबर तक का तो खुला है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है। एंड VTP एयर इज वैलिड फॉर एंट्री अप टू 6 कैलेंडर डेज आफ्टर द ट्रेवल ट्रेवलर्स चूजन द डेट ऑफ एंट्री। कहने का मतलब ये कि जिस दिन आपने VTP पास अप्लाई करा भाई, एक दिन में अप्रूव हो जाता है। मैं अब आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, डिफरेंट नेम से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं तो अभी सिंगापुर में हूँ। ये वीडियो आपके इंडिया से सिंगापुर VTP के लिए है, ठीक है भाई। तो 7 से 12, कहने का मतलब अगर आपको 7 का अप्रूव हो जाता है आपको इशू, तो भाई 7 से 12 किसी भी डेट में आप आ सकते हैं। फॉर स्मूथ एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द वैलिड पासपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन एड्रेस इन सिंगापुर। कहने का मतलब यह है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैलिड पास प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन में, अगर आपके पास कोविशील्ड कोवैक्सीन है, आप स्नैपशॉट करके जैसे जीमेल पर अपनी कोई जीरोक्स कॉपी हम सबमिट करते हैं उसी तरह से होगा। तो एंड एड्रेस इन सिंगापुर रेडी, एंड कोई भी HDB का एड्रेस कर। अब देखो क्या है, अगर आप PR वगैरह हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं भाई इस पर, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है एक नाम, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, KUM कुमार रवि, ओके। अब मैं डाल रहा हूँ भाई ईमेल एड्रेस, भाई मैं इतना कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा देख। अब यहाँ पर मांग रहा है भाई OTP, तो मैं चेक करता हूँ मेरे मेल पे ही OMT है। ये मेरा दूसरा ईमेल है जिसमें मैं रैंडमली यूज़ करता हूँ, तो उसी को मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो जो पासवर्ड है 09 0, ओके। अब यहाँ कुछ मांग रहा है ये, इसका कब्ज का क्या बोलते हैं F, तो हम डालेंगे FPG65, ओके। हाँ हम नेक्स्ट करते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट करने के बाद अब ये पेज पर आपको हो गया। तो यहाँ पर हम किस कंट्री से आ रहे हैं, तो भाई हम तो आ रहे हैं इंडिया से, इंडोनेशिया में इंडिया से आ रहे हैं। तो आपको किस इस तरह से, अब इंटेंटेड डेट टू एंट्री ये मांग रहा है भाई, कौन सी डेट को एंट्री आपको लेनी है सिंगापुर। तो हम बात कर लेते हैं भाई 7 दिसंबर के, 7 8 को डाल देते हैं, 9 9 को डाल,
प्लीज सिलेक्ट अ नो। तो हम डालेंगे दिसंबर, क्या टाइप करना पड़ेगा क्या? 09। ओके तो मैंने भाई डाल दी 09, मीन्स 9 दिसंबर को हमें को आना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे भाई, लाइव है। तो देखो यहाँ पर मांग रहा है भाई आपसे दूसरा सेव द डिटेल्स, तो यहाँ लिख रहा है ट्रेवलर्स टाइप, आप कौन सा ट्रेवलर्स टाइप हो। तो जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म पास हो, फिर आपका यहाँ डालेगा डॉक्यूमेंटेशन नेम आपको डालना पड़ेगा, फिन नंबर आपको डालना पड़ेगा, पास डालना पड़ेगा कि भाई ICA लॉन्ग टर्म पास हो, MEO लॉन्ग टर्म पास हो, तो जो भी है आपके पास एक्सपायर कब हो रहा है, अगर आपके पास ICA लॉन्ग विजिट है, ठीक है भाई, तो आप डालोगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन है लॉन्ग टर्म पास होल्डर, इसमें एम्प्लॉयमेंट पास वगैरह, MOM से जो आ जाता है लॉन्ग टर्म पास होल्डर, MOE से एजुकेशन से है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर आप स्टूडेंट हो तो इधर करोगे, अगर आप वर्क परमिट वगैरह पे है तो आपका इधर अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने आपको ऐसे टेम्परेचर, तो जब आपका एक्सपायरी हो रहा है वो भी आपको डेट डालनी है, ठीक है। फिर आपको पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्मेशन मोबाइल डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर आपको मेल आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखो लिखा है जो 24 घंटे का आपका नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, मीन्स आपको स्टे करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई है HDB का यूनिट नंबर, फिर आप उसका पोस्टल कोड करके आप सेव डिटेल जैसे करोगे इधर, जैसे एग्जांपल, या सबमिट करोगे। अभी मैं सबमिट तो कर नहीं सकता क्योंकि मैंने फिल फॉर्म नहीं भरा है। इसके करने के बाद बस इतना करना है, इसके करने के बाद आपको VTP पास आपका ईमेल पर, आपसे Gmail जो भी आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला है आपका, उस पर आ जाएगा कि भाई फिर आप उस पर उसको प्रिंट आउट निकाल के, उसके बाद वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपको डालना है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बहुत ही आसान है, जैसे Gmail में हम अटैच फाइल करते हैं उस तरह से, और आप सिंगापुर में एंटर कर सकते हैं बाय सिंगापुर एयरलाइंस बुक करके। तो भाई आप, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आपको मैं दिखाने की बात भी लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। अब तो आपको मैंने बता दिया, तो भाई अगर आप 7 को आ रहे हैं तो 12 तक आप आ सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आपको चेक करना आपका स्टेटस, तो वही है जो आपने फिल फॉर्म करा है, तो आपका जो आपको जो रिजल्ट देगा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे एंट्री अप्रूवल फ्रॉम माय स्टूडेंट पास एयर ट्रेवल, तो वैक्सीनेटेड ट्रेवल पास डॉक्यूमेंट, आप फिन नंबर या पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और इंटेंटेड टू सिंगापुर, तो उसके बाद आप क्लियर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका अप्रूव्ड है नहीं, और वैसे भी आपको वो मेल कर देंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज आपको पूरा समझ में आ गया कि कैसे अप्लाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशंस होती है आपको, बिकॉज आपके आपको जीमेल अपना आपको अकाउंट उसमें डालना होता है, ताकि आपको उसी के मेल पर आपका आंसर हो कि भाई आपका यू हैव अप्रूव्ड योर BTP, आप आ सकते हैं, क्योंकि आपको चूज करना है, और उसके बाद आप अपने क्वारंटीन फ्री ट्रेवल सिंगापुर में कर सकते हैं। और हाँ, आने वाले समय में मैं 1 या 2 दिन से स्टार्ट फिर करने वाला हूँ कि भाई पार्ट टाइम स्टडीज के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कितना अर्न कर सकते हैं, तो ये सारी वीडियो सिंगापुर के ब्लॉग्स के ऊपर कंटिन्यू रहेंगी। आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जो चेंजेस थे वो भी मैंने दिखा दिए आपको, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।